अम्बेडकर BRMGSS न्यूज 24 में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है, सत श्री अकाल है, आदाब है, प्रणाम है, नमस्कार है, वणक्कम है, गुड मॉर्निंग है। मुख्य हेडलाइंस। मोबाइल मीडिया हेल्पलाइन से इस न्यूज चैनल के मालिक को दिन भर में करीब 1000 कॉल प्रतिदिन आते हैं। अधिकांश मजदूरों का सवाल यही होता है कि ज्वाइनिंग कब होगा। दूसरा सवाल यह होता है कि वेतन कितना मिलेगा। आपके द्वारा किए गए कॉल में आप अधिकांश लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम लोगों का ज्वाइनिंग कब होगा। आपका सवाल जायज है, लेकिन क्योंकि ये आंदोलन है, आप BPSC या रेलवे का एग्जाम नहीं दिए हैं और बिना रेलवे का एग्जाम दिए आप किसी भी संस्थान में नौकरी नहीं पा सकते। ये एक भारत का नियम है, लेकिन आप आंदोलन करके ज्वाइनिंग पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, उस आंदोलन का एक अंतिम परिणाम आता है और हमें अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए, भले ही समय लग रहा हो। अगर आपको ज्वाइनिंग जल्दी लेना है तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप रेलवे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप करें और उसका एग्जाम देकर रेलवे में प्रवेश करें। ज्वाइनिंग का डेट का न्यूज़ मैं इसी चैनल में दूंगा, उन्हें ही नोटिफिकेशन मिलेगा जो ज्वाइन बटन को दबाकर 89 रुपीज का रिचार्ज किए रहेंगे। रिचार्ज कैसे करना है मैं इस वीडियो के आगे बताऊंगा। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है तब तक आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए, जो कर रहे हैं उसके अलावा करना चाहिए। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के साथ साथ आप लोगों के लिए न्यूज़ बनाता हूँ, क्रिप्टो करेंसी में भी काम करता हूँ। तो जब मैं न्यूज़ चैनल बनाता हूँ, एक न्यूज़ वीडियो को एडिट करने के लिए करीब करीब मुझे 4 घंटा लगते हैं। रात को जागता हूँ आप लोगों के लिए और तब जाके एक न्यूज़ तैयार होता है। ऑडियो अलग रिकॉर्ड होता है, वीडियोस अलग रिकॉर्ड होते हैं और एडिट अलग होता है। इस तरह से समय लगता है, अर्थात मैं पढ़ाने के साथ साथ वीडियो एडिट भी करता हूँ और वीडियो एडिट करके यूट्यूब में डालता हूँ और मैं ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई काम नहीं मिलता है तो सिर्फ ज्वाइनिंग डेट जानकर क्या फायदा। आप कुछ ना कुछ करते रहें, जैसा कि मैं यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ और ये एक काम हुआ, वीडियो एडिट कर रहा हूँ एक काम हुआ, ऑडियो एडिट कर रहा हूँ एक काम हुआ। उसके अतिरिक्त कि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक के तौर पर स्कूल में पढ़ाता हूँ और जो समय मिलता है उसका इस्तेमाल मैं आपके लिए न्यूज़ बनाने के लिए प्रयोग करता हूँ। तो ज्वाइनिंग जब तक नहीं होता है तब तक आप या तो मेरी तरह वीडियो बनाएं, आप नहा रहे हैं उसका वीडियो बनाएं, आप नाच रहे हैं उसका वीडियो बनाएं, आप हंस रहे हैं उसका वीडियो बनाएं, आप उछल रहे हैं उसका वीडियो बनाएं, आप पढ़ रहे हैं उसका वीडियो बनाएं और YouTube में अपलोड करें। इससे पैसा आता है और मैं आपको सिखाऊंगा कि YouTube से पैसा कैसे आता है, क्योंकि शिक्षक हूं। इसलिए खाली हाथ ना बैठें और ज्वाइनिंग जब भी हो, जैसा कि अरुण कुमार पासवान जी कह रहे हैं कि इसी साल होगा, चलिए इस साल इंतजार करो और जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक YouTube में वीडियो अपलोड करो। जो भी कर रहे हो उसी का वीडियो बनाओ और अपलोड करो, हो सकता है वो मोनिटाइज हो जाए और आपको पैसा आना शुरू हो जाए। ये बहुत सटीक चीज को मैं बोल रहा हूँ, खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। और मैं साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी में भी काम कर रहा हूँ, 3-4 डायमेंशन काम कर रहा हूँ जहां से मुझे इनकम जनरेट हो रहे हैं। यूट्यूब से भी पैसा आ रहा है प्लस क्रिप्टो करेंसी से भी पैसा आ रहा है, साथ ही साथ मेरे स्कूल में पढ़ाता हूँ उससे भी पैसा आ रहा है। कई डायमेंशन को, अपनी आंखों को, तीव्र आंखों को, आंतरिक आंखों को खुला रखिए और तब तक काम करते रहिए जब तक कि ज्वाइनिंग ना मिल जाए। ज्वाइनिंग मिलने से पहले कुछ ना कुछ अपने परिवार के रोजी रोटी के लिए करते रहें। एक मैं सुझाव दिया हूं कि आप जो भी करते हैं, मान लीजिए आप माल गोदाम में काम करते हैं, वहां का वीडियो बनाएं और वीडियो को अपलोड करें एक चैनल बना के, उससे पैसा आएगा। 1-2 साल के बाद एक बड़ा अमाउंट आएगा, क्योंकि यूट्यूब पैसा देगा, भारत सरकार नहीं देगी और वो भी डॉलर में देगी। $1 का कीमत है 85 रुपया। तो मान लीजिए आप एक महीना में $1000 कमाते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 1000 × 80 मान के चलिए 80,000 हुआ। अगर खुदा ना खास्ता आपका वीडियो वायरल हो गया तो मोटा मोटी $5,000 दे रहा है, 5,000 × 80 बराबर 5×8=40, 4,00,000 रुपया हर महीना आपको आसानी से मिलेगा। ये सब चीज को सीखिए, जानिए। उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी कई जगह है जहां पर आप काम कर सकते हैं। मैं एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी के बारे में मेरे दूसरे चैनल में डाल रखा है जिसे आप देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे करें, क्योंकि उसमें बताया गया है कि आज तक हम इंश्योरेंस किए हैं, फिक्स डिपॉजिट किए हैं, तो फिक्स डिपॉजिट एक 20-25 साल के बाद हम लोगों का वो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। LIC में भी वैसे ही होता है।
20 साल 25 साल या मरने के बाद मिलता है। तो 2023 में 30,000 में लगाया हूं, 30,000 लगा के मुझे 2023 जून 12 तारीख को मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह के कामों पर ध्यान दीजिए आप। ज्वाइनिंग तो होगा ही, इसे कोई भी माई का लाल सरकार नहीं रोक पाएगी, लेकिन अरुण कुमार पासवान जी को, मनोरंजन जी को या जितने BRMGSS के सदस्य हैं उन्हें मौका दीजिए, समय दीजिए। वो लोग काम पर लगे हैं। और जो आप गंदी गंदी गालियां संस्कार जो सीखे हो ना कमेंट बॉक्स में देते हो, वो शोभा नहीं देता है एक भारत के नागरिक को। विदेशी लोग भी इतना गंदा गंदा कमेंट नहीं करता, और ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि मनोरंजन जी भी देख रहे हैं, पदाधिकारीगण भी आपका कमेंट को देख रहे हैं, आपका QR कोड को रद्द कर दिया जाएगा, इसे जान जाइए। क्योंकि इंटरव्यू होता है किसी भी नौकरी के लिए, याद रखिएगा, बिना इंटरव्यू का आप किसी भी नौकरी में नहीं जा सकते हैं। गंदे लोग तो नौकरी कर ही नहीं सकते, इसलिए आपके कमेंट को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, और QR कोड रद्द करवाने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, ऐसे मीडिया प्रभारी में करूंगा। इसलिए आप काम करें, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है आप दिमाग लगाएं कि क्या काम करूं। जैसे कि मैं मजदूरी कर रहा हूं, उसके अलावा क्या मैं यूट्यूब में पैसा वीडियो बना के डाल सकता हूं, इसको सीखें, क्रिप्टो करेंसी को सीखें, साथ ही साथ और भी कुछ आपके पास टैलेंट है उसे आप निखारें और करते रहें, जैसा कि मैं कर रहा हूं। मैं पढ़ाने के साथ साथ यूट्यूब का एडिट करता हूं, वीडियो बनाता हूं, और यूट्यूब में आपके लिए कड़ी मेहनत करके न्यूज़ डालता हूं, और उस कड़ी मेहनत का आप सजा दे रहे हैं गलत गलत कमेंट करके। अधिकांश लोग देखिएगा नीचे कमेंट में, देखिएगा मेरा कमेंट को, देखिएगा कमेंट बॉक्स में जाके देखिएगा, सभी लोग नहीं लेकिन 2% ऐसे लोग हैं भारत में गंदे लोग जो गलत गलत कमेंट BRGMSS के बारे में, भारतीय रेल विमान गोदाम समिति संघ के बारे में गलत गलत कमेंट देते हैं। उनका नाम रिकॉर्ड किया जा रहा है और आपका QR कोड अवश्य रूप से रद्द की जाएगी, इसे ध्यान रखिएगा। और 98% लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे BRMGS ऐसे ही खड़ा नहीं है, 2% की वजह से नौकरी नहीं मिलेगा ऐसा बात नहीं है। 2% लोगों को तो ऐसी लात मार के हम लोग भगाएंगे, उन लोगों की आवश्यकता नहीं है भारतीय रेल विमान गोदाम समिति संघ के सदस्यता का। ऐसे लोग भागे यहां से, क्योंकि ये लोग भूत हैं, शैतान लोग हैं। इन दुष्ट आत्माओं को भारतीय रेलवे मार्ग गोदाम से हटाया जाना चाहिए। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये आह्वान कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं बताया कि मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए। कल रात की बात है, मैं 5 बजे सुबह सोया हूं, 2 वीडियो को मैंने एडिट किया, एक महामहिम अरुण कुमार पासवान जी का बर्थडे का वीडियो, और एक आप ज्वाइन बटन को कैसे क्लिक करके रिचार्ज करेंगे किसी भी यूट्यूब चैनल को जिसे आप चाहते हैं, उसका वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने रात भर आपके लिए जागा इस वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको पसंद नहीं लगते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आपके सामने पेश करूं और आप उसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल है, brmgss.org का न्यूज़ चैनल है, और जहां मैं कहीं से भी फुटेज उठाकर इसमें डाल सकता हूं जैसा कि न्यूज़ चैनल करते हैं। और आप इस वीडियो में देखें ज्वाइन बटन को दबाकर कैसे आप इस चैनल का या अन्य चैनल जिसे आप बहुत पसंद करते हैं उस चैनल में मेंबरशिप लेके क्या क्या फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ही मेरा या किसी का जिसका YouTube मोनेटाइज है, मतलब YouTube ने उसे स्पेशल चैनल के रूप में कैटेगराइज किया है, उस चैनल में एक थैंक्स बटन भी होता है, देखिएगा शेयर जहां करते हैं वहां उसके बगल में थैंक्स बटन होता है, उसे आप छूएगा तो अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा वीडियो बनाता हूं तो आप थैंक्स बटन को दबाकर अपना कमेंट और पेमेंट जो कि 40 रुपया से है, 40 रुपया पेमेंट करके भी आप मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि जो भी पैसा इस चैनल के माध्यम से इकट्ठा होंगे वे मजदूरों के बच्चों के लिए होंगे, और मैं उस पैसे को मनोरंजन जी को सौंपूंगा, और मनोरंजन जी मजदूरों के बच्चों के लिए कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सामान खरीद कर जो भी कार्यक्रम बड़े कार्यक्रम होंगे बच्चों को वे सारे सामान गिफ्ट के रूप में दिए जाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य आप डोनेट करें, 40 रुपया बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, या 59 रुपया बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, या 159 रुपया बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसलिए आगे वीडियो देखें कि आप ज्वाइन कैसे करिएगा, और थैंक्स का जो बटन दबाते हैं उसे आप पेटीएम के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो देखते रहें मैं आने वाले समय में ज्वाइनिंग कब होगा डेट सहित उन लोगों के लिए डालूंगा जो लोग ज्वाइन बटन को दबाकर 89 रुपीज़ का रिचार्ज किए हों या 159 रुपीज़ का रिचार्ज किए हों, उन्हीं के लिए डालूंगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। अगर आप मेहनत का मेरा कदर नहीं करते हैं तो आपके मेहनत का कौन कदर करेगा। मैं टीचर होकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पढ़ाता हूं, और बाकी समय का इस्तेमाल मैं इस वीडियो बनाने में लगाता हूं, टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, और उस मेहनत का आप रिवॉर्ड नहीं देते हैं, मतलब मेरे मेहनत का फल आप नहीं देते हैं, तो आपके मेहनत का भी फल जल्दी नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं ना, आपके मेहनत का भी फल जल्दी नहीं मिलेगा, यही वजह है, क्योंकि आप दूसरों के मेहनत का इज्जत नहीं करते तो आपका मेहनत का इज्जत कौन करेगा, समझे। ये आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण है,
शायद ऊपर वाले इसलिए 24 साल लगा दिया क्योंकि आप दूसरों का मदद करना नहीं सीखे और उनके मेहनत का सही परिणाम देना नहीं सीखे। मैं देता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, उनके मेहनत का अच्छा नंबर देता हूं। आप भी देना सीखिए, केवल लेना मत सीखिए। अगर सीधा हाथ से लेते हो तो उल्टा हाथ भी करना सीखिए, तब आपका काम और ज्वाइनिंग लेटर इसी साल होगा, इसी साल। आगे देखें और ज्वाइन करें, ज्वाइन बटन दबा के। किसी भी YouTube चैनल का मेंबरशिप अगर आपको लेना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि जो चैनल YouTube चैनल जिसे आप बहुत चाहते हैं और उस चैनल का वीडियो आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, उस चैनल में आप प्राइम मेंबरशिप लेके बहुत सारे सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो मैं आज आपको उसी के विषय में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना फ़ोन पे खोलना है। फ़ोन पे खोलिएगा तो डैशबोर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें रिचार्ज है, जिसमें डिश टीवी रिचार्ज है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो जैसा मैं डैशबोर्ड में दिखा रहा हूँ, यहाँ मोर पर क्लिक करिएगा। मोर पर जैसे ही क्लिक करिएगा बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से एक ऑप्शंस है गूगल प्ले। गूगल प्ले उसे आप छूएगा क्योंकि आप कूपन खरीदना चाहते हैं। गूगल प्ले का कूपन खरीदे बिना आप यूट्यूब का मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं। आपको सबसे पहले गूगल प्ले को अपने फ़ोन पे में छूना है। जैसे ही छूएगा एक नया डैशबोर्ड खुलेगा। उस डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगा कि आप कितने अमाउंट का कूपन खरीदना चाहते हैं। आप वहाँ पर अमाउंट भरेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करिएगा तो आपके सामने पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल दीजिएगा और कन्फर्म कर दीजिएगा। और जैसे ही कन्फर्म कर दीजिएगा आपके पास एक कोड आएगा, उस कोड को कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपको उस YouTube चैनल में चले जाना है जिस YouTube चैनल में आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं। आप चैनल जहां पर चैनल का नाम लिखा हुआ है उसके नीचे सब्सक्राइबर्स वगैरह लिखा हुआ है, जस्ट उसके बगल में लिखा है ज्वाइन। आप ज्वाइन बटन को छूएगा। जैसे मेरा चैनल है डॉक्टर आइजक बेस्टर, आप देख सकते हैं डॉक्टर आइजक बेस्टर, उसके नीचे मेरे सब्सक्राइबर्स लोग हैं और जस्ट बगल में हरा रंग का दिखा रहा है, नीला रंग का दिखा रहा है, उस नीले रंग का ज्वाइन बटन को छूना है। और मैं तीन तरह का ऑप्शन इसमें दे रखा हूँ जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं। मिनिमम है 89 रुपीज़ का, जिसको मैं मदर तेरेसा लेवल 1 रखा हूँ क्योंकि मैं मदर तेरेसा के साथ काम किया हूँ इसलिए उनका नाम दिया हूँ। तो आप ये ज्वाइन बटन पर, दूसरा मेंबरशिप है मदर तेरेसा स्टार लेवल 2, जहाँ पर मैंने 159 रखा है इसका मंथली सब्सक्रिप्शन, आप इसको भी ले सकते हैं। तीसरा है मदर तेरेसा सुपर स्टार, इसमें आपको बहुत सारे सुविधा मिलेगा इसलिए मैं इसको मोटा मोटी 2000 रुपये तक का रखा हूँ। आप YouTube लाइव में जब कमेंट करिएगा तो आपका वीडियो आपका कमेंट जो है स्क्रीन में लाइव दिखाएगा और बहुत सारे सुविधाएं जो 2000 से रिचार्ज करेंगे उनको मिलेगा। और कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसको जो लोग मेंबर्स लिए रहेंगे उन्हीं को खाली दिखाई देंगे। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि ज्वाइनिंग से संबंधित कन्फर्म डेट का वीडियो मैं डालूंगा, जरूर डालूंगा, लेकिन जो लोग मेंबरशिप लिए रहेंगे उन्हीं को वो वीडियो दिखाई देगा। क्योंकि इस रिचार्ज करने का मकसद केवल वो वीडियो नहीं है बल्कि हमारे बच्चे जो मजदूरों के बच्चे हैं मजदूरों से अधिक कष्ट में हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है और हमारे देश को अनपढ़ गंवार और गधों का देश नहीं बनाना है। हमें उनके पढ़ने लिखने के लिए, बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए। भगवान आपका पैसा नहीं चाहता है, जो भी है ईश्वर जिसको हमने नहीं देखा ना आपने देखा है वो आपका पैसा नहीं चाहता है। वो पैसा का इस्तेमाल आप गरीब दीन दुखियों गरीब मजदूरों के लिए कर सकते हैं ये ज्वाइन बटन को दबाकर। आप देख सकते हैं आप किसी एक ज्वाइन बटन को दबाकर जितना पैसा का जितना अमाउंट का आपने फ़ोन पे में रिचार्ज किया उस अमाउंट को यहाँ से ज्वाइन बटन पर दबा के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं 89 रुपीज़ का कूपन खरीदा हूँ और उससे रिचार्ज करना चाहता हूँ तो ये हरा ज्वाइन बटन दिख रहा है इसको मैं छूँगा। जैसे ही छूँगा एक डैशबोर्ड खुलेगा यूट्यूब का, आप देख सकते हैं, और इसमें रिडीम कोड, ऐड क्रेडिट कार्ड पर मत जाइएगा, रिडीम कोड पर छूइएगा। आप देख सकते हैं रिडीम कोड यहाँ पर छूइएगा तो उस कोड को मांग रहा है जिस कोड को आपने फ़ोन पे से ख़रीदा है। अब यहाँ पर उस कोड को डालिएगा और
नीचे में रिडीम ऑप्शन जो आ रहा है उसको रिडीम करके कंफर्म कर दीजिएगा, तो आपको 89 रुपीस का अपने बच्चों के नाम पे डोनेट किया हो या इस चैनल में आने वाले अच्छे सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किया हो, ये आप पर, आपके विचार पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब है आप 89 से भी रिचार्ज कर सकते हैं, 159 से भी रिचार्ज कर सकते हैं या 1999 से भी रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे माल गोदाम का QR कोड बनाने के लिए कुछ लोग हजारों लाखों रुपए दे रहे हैं, ये लोग अमीर लोग हैं। अगर ये बच्चों और मजदूरों का ख्याल करते हैं तो आप रिचार्ज ऑप्शन को दबाकर एक मिनिमम और नॉमिनल अमाउंट मैंने रखा है, उस नॉमिनल अमाउंट को पे करके जितना अमाउंट इसमें रिचार्ज हुआ है आप खुद ऑनलाइन देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड देख सकते हैं, और मैं मनोरंजन जी से और मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों से बात करूंगा कि इस पैसा को आप मजदूर के बच्चों तक पहुंचाइए, और उनका दायित्व होगा कि जितने प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर बच्चों को बुलाकर हम उन्हें कॉपी किताब ड्रेस इत्यादि इसी पैसे से दे सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप लोग साथ दें और मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़ चढ़ कर साथ देंगे और बच्चों का कल्याण करेंगे, क्योंकि आने वाला भविष्य का देश कैसा होगा वो बच्चे जैसे होंगे वैसा ही होगा, इसलिए हम पढ़े लिखे बच्चों को तैयार करें ताकि आने वाले समय में उन्हें मजदूर हमारी तरह मजदूरी करना ना पड़े, या मजदूर भी कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वे मजदूरी करेंगे, जैसे कि विकसित राष्ट्रों में है, जापान में है, अमेरिका में है, यहाँ तक कि इज़राइल में भी मजदूर लोग हैं, लेकिन वो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पढ़े लिखे मजदूर और अनपढ़ मजदूरों में अंतर होता है, इस चीज़ को जानिए। इसलिए आप हमारे बच्चों के कल्याण के लिए रिचार्ज करके उनके कल्याण के लिए आप डोनेट करें, मैं यही आशा करता हूँ, और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे न्यूज़ चैनल को बहुत ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, और इस वीडियोस को आप उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो लोग पूजा पाठ नमाज इत्यादि करते हैं लेकिन बच्चों को प्यार नहीं करते हैं, उन तक पहुंचाएं ताकि वे लोग भी डोनेशन करें और उस डोनेशन से मिलने वाले रकम को बच्चों तक पहुँचाई जा सके। सभी को डॉक्टर आइज़क की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, आभार, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, और इस दुर्गा पूजा में शायद ईश्वर हमसे यही चाह रहा है। थैंक यू। नियुक्ति पत्र हमें भी आश्चर्य हुआ। आवाज मत दो, नौकरी नहीं मिलेगा। आवाज दो, नौकरी मिलेगा। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड बी ब्लेस्ड एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप एंड शाइन मोर देन द सन दैट यू सी ऑन द स्काई। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।